हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और हर वीक की तरह इस वीक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे दो पोजिशनल ट्रेड आइडियाज जहां पे आपको पोटेंशियली अच्छा गेन मिल सकता है। याद रहे, ये जो स्टडी है वो मैं अपनी स्टडी शेयर कर रहा हूं, आपको अपने आप खुद से स्टडी करके डिसीजन लेना होगा कि आपको बाय करना है कि नहीं। मैं कोई बाय या सेल सजेशन नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, तो आपको ऐसा मान के चलना है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अच्छे वीडियो आप देखते रहे। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स प्लीज कमेंट करके जाइए, 600 व्यूज आ रहे हैं, 10% कॉमेंट यानी कि 60% कॉमेंट्स भी नहीं आ रहे। तो प्लीज थोड़ा टाइम लगा के, 1 मिनट लगेगा आपको कमेंट करने में, तो कमेंट करके जाइए। और जो लोग मुझे ट्विटर पे पूछते रहते हैं कि जो मैं ट्रेडिंग के लिए यूज करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे जो मेरा सेटअप है या मेरे जो चार्टिंग स्कैनर है वो कैसे मिलेंगे, तो मेरा ऐप है अंकुर पटेल, उसको डाउनलोड करिए और वहां पे आपको मिलेगा माई ट्रेडिंग टूल जो बिल्कुल फ्री है, 1 रुपए होगा, वो भी आपको पे नहीं करना, वो अनलॉक है, उसको यूज करिए, वहां पे क्लिक करके आप अपने लिए यूज कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं ये टाटा पावर का चार्ट, और टाटा पावर का चार्ट मैंने इसलिए ओपन किया क्योंकि हमारे पास आज जो स्टॉक है उसमें बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न बना है जहां पे पहले टाटा पावर में बना था। तो चार्ट से सारी लाइंस हटा दे और सबसे पहले देखते हैं टाटा पावर को, तो क्या हुआ था टाटा पावर में पहले वो समझ लेंगे और उसके बाद जो स्टॉक में इस वीक हुआ वो समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये आप टाटा पावर में एक चीज ये देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल इसे कहते हैं। तो एक बिल्कुल डाउन ट्रेंड स्टॉक था, अगर यहां से देखे तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको कि भाई टाटा पावर में बिल्कुल डाउन ट्रेंड था, यहां से लेके यहां तक बिल्कुल स्टॉक नीचे जा रहा है, लेकिन फाइनली एक यहां से एक ब्रेकआउट हुआ और वहां से अगर आप देखिए 85 के ऊपर यहां पे आपको एक दिखेगा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर आप यहां पे देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर होगा यहां पे, ये शोल्डर, और यहां इसके ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ। तो मेन ब्रेकआउट यहां पे था 63-64 के ऊपर, लेकिन 85 के ऊपर एक लाइक लॉन्ग रेंज का ब्रेकआउट हुआ, जो रेंज थी 2008 से लेके 2021, ये रेंज थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ब्रेकआउट के बाद जो मूव आया वो हुआ ऑलमोस्ट 240% का मूव आया, और अगर आप नॉर्मल जो हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर देखें तो ये 161 के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो मूव आया दैट इज 83% का। सो ये स्टॉक मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इस वीक हमारे पास जो एक स्टॉक है जो नंबर वन स्टॉक है वहां पे भी कुछ ऐसा पैटर्न दिखा है। आपको फिर से मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा दूं कि आप देख लीजिए इसको, ये एक पैटर्न यहाँ पे बना। अगर हम यहाँ से इस चार्ट को पुराना चार्ट निकाल दे तो ये एक पैटर्न था जब टाटा पावर में ये सेटअप बना था, और आप वहां पे देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम बिल्डअप देखिए, यहाँ पे जो वॉल्यूम बिल्ड हुआ था इस जोन के अंदर, ऐसे आप पोजिशनल ट्रेड कर पाएंगे। देखिए कि बिल्कुल यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं, जब कंसोलिडेशन टाइम है तो कोई भी वॉल्यूम नहीं, एंड सडनली वहां पे वॉल्यूम राइज देखिए, बिल्कुल यहाँ से वॉल्यूम की जो पिकअप हुई यहाँ से, तो वो आप देख रहे हैं कि टाटा पावर में ये देखने के लिए मिला था। सो आज ऐसा जो स्टॉक है जहां पे ये डाउनवर्ड स्टॉपिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ, उस स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट। अगर दीपक नाइट्राइट में अगर आप देखें इसके वीकली चार्ट के ऊपर, तो इस तरीके से आपको एक पैटर्न दिखेगा जो एकदम डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था, वो स्टार्ट होता है 2021 और 2023 में इसका ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ड्राई वॉल्यूम था एंड फाइनली यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम दिखा। और अगर आर वॉल जाके देखे तो इस वीकली का वॉल्यूम यहाँ पे ऑलमोस्ट 400%, सो 4 टाइम्स वॉल्यूम, अपने एवरेज वॉल्यूम से 4 टाइम्स वॉल्यूम देके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है दीपक नाइट्राइट के अंदर। तो अगर इसके टारगेट करें तो यहां से इसका पहला टारगेट बन सकता है, अगर आप 2000 के आसपास अगर आपको मिलता है तो ये पहले रजिस्टर, तो 20% आपका यहां से पहला टारगेट बनेगा। लेकिन अगर ये सस्टेन होगा यहां से 20 के आसपास, सी अभी आपको प्रीएम करना होगा कि क्या होगा कि 20 यहां पे टारगेट बना तो इसके आसपास जाके फिर से कंसोलिडेशन करके नेक्स्ट ये हो सकता है इसका रजिस्टर, हम इसको बड़ा रजिस्टेंस नहीं कहते, तो वहां से आपको ये टारगेट जो है वो बन जाएगा आपका 30% एंड फाइनली ये ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकते हो। तो 50% टारगेट अगर आपने इसको 6 महीने से 1 साल अगर आप इसको होल्ड किया, अगर ये स्टॉक जब तक स्ट्रेंथ है तब तक आपको इसको होल्ड करना होगा। और इस केस में जैसे मैंने बताया कि हमेशा जब स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हो
तो आपको होल्ड करना होगा कि अगर ये स्ट्रांग बाइंग कैंडल का लो अगर नहीं ब्रेक करता, जब तक ये लो के नीचे नहीं जाता, इसके नीचे नहीं जाता, आप इसको होल्ड करके चल सकते। और यहाँ पे इस केस में कुछ बड़ा फर्क नहीं होगा। अगर आप इसका बाई जोन देखें तो सबसे पहले इसका बाई जोन ले लेते हैं, दैट इज अराउंड 2000 to 2020, ये आपको परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि अभी भी इसका प्राइस इतना कुछ खास नहीं है। 2050 रुपीज और 2000 रुपये का स्टॉक है तो कुछ बड़ा फर्क नहीं होगा यहाँ पे। तो 2000 रुपये से 2020 आपकी बाई जोन हो जाएगी अगर इसके नीचे मिला, और भी अच्छा है जो मैंने आपको बताया कि इसका जो स्टॉप लॉस होगा, योर स्टॉप लॉस विल बी 1875। आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा इसमें 1875, जो आपके बाय लेवल के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। अगर हम 2015 पे बाय कर रहे हैं तो 1875 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, समवेयर 7 to 8%, 7 to 8% आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो दीपक नाइट्राइट आपका, और इसका टारगेट जो मैंने आपको बताया कि टारगेट इसका पहला टारगेट बनता है दैट इज 2400, और उसका जो सेकंड टारगेट है वो 2700। तो ये दीपक नाइट्राइट आपका पहला पोजिशनल ट्रेड होगा जो आपको खुद से स्टडी करनी होगी। आपको और भी गेन हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैंने इसका ये टारगेट दिया कि आप जो 7% का रिस्क ले रहे हो उसके सामने आपको 35% का गेन मिल सकता है। सो 5 टाइम्स रिटर्न आपको दीपक नाइट्राइट में मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भाई पूरा बाई सेल जो आपको कंप्लीटली, और जो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था कि अगर आप ऐसे पोजिशनल ट्रेड कर रहे तो अपने कैपिटल के 5% से ज्यादा अलोकेट नहीं करना। याद रहे, अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो आपको दीपक नाइट्राइट में 50,000 से ज्यादा अलोकेट नहीं करने। आप अगर ऊपर जाए तब आप ट्रेडिंग के लिए पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन एक रूल के हिसाब से अगर आप 7 या 8% के स्टॉप लॉस से चल रहे तो ये आपको रूल फॉलो करना होगा कि 50K से ज्यादा आप इसमें अलोकेट नहीं करेंगे, जिससे आपकी पोजीशन एक जगह पे ना फंस जाए। क्योंकि आप थोड़ा एक्सपोजर लेके चलेंगे तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। मैक्सिमम आप 1 लाख जा सकते हैं, लेकिन आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप 50,000, और वो भी अपनी स्टडी के बाद इसमें कुछ डिसीजन लीजिए। तो दीपक नाइट्राइट है आज का पहला स्टॉक जो पोजिशनल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जो सेकंड स्टॉक है वहां पे 8 साल का ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिल सकता है, और वो ब्रेकआउट से पहले मैंने आपको बता रहा हूँ, स्टॉक का नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। अगर स्नाइडर इलेक्ट्रिक का चार्ट देखे तो वहां पे आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियरली कि 241 के आसपास इसके जो लेवल है दैट इज 2015 to 2023। और आप यहाँ पे देखिए ये वॉल्यूम बिल्डअप, पहले मैंने टाटा पावर में भी आपको बताया, अब यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पे जो वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है वो आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई स्ट्रांग बाइंग हो चुकी है पहले, और यहाँ से अभी स्टॉक ऊपर जा सकता है। अगर आर वॉल के हिसाब से देखें कि यहाँ पे इस वीक का जो वॉल्यूम है दैट इज 575%, सो ऑलमोस्ट 6 टाइम्स जो वॉल्यूम है वो बिल्डअप होके यहाँ पे चला है कि भाई इतना ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बिल्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो बिल्डिंग बन रही है वॉल्यूम की, जो भी बिल्डिंग बन रही है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई बायर है जो स्टॉक नीचे आता है उसको उठा लेता है, ये नीचे आया और उठा लिया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 8 साल पुराना ब्रेकआउट हो सकता है स्नाइडर इलेक्ट्रिक के अंदर, पहली बार इस लेवल के पास आ रहा है 2015 के बाद, सो 8 साल बाद। अब ये स्टॉक ऑलरेडी अगर आप देखें तो इस हफ्ते 26% चल चुका है। सो आइडियल बाय, आइडियल बाय इसको कैसे करेंगे, इसको 2 पार्ट में बाय कर सकते हैं आप। पहला बाय ये कि मार्केट इतना खास है कि ऊपर चलता ही जाए स्टॉक, तो फिर आप इसको 242 के ऊपर बाय कर लीजिए, बिल्कुल छोटी क्वांटिटी बाय करिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक नॉर्मली आपको पुल बैक में एंट्री मिलेंगी। आपको बेस्ट केस में आपको ये रहेगा कि आपकी एंट्री लेवल जो बेस्ट बाय लेवल जो है वो आपका बनेगा 215 to 225। अगर यहाँ पे आपको मिलता है ये स्टॉक तो ये आपके लिए बेस्ट बाय बनता है, ठीक। अगर इस केस में आपका स्टॉप लॉस देखे तो क्लियर हो जाएगा कि 186 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इस केस में हम 185 कर देते हैं, सो SL आपका हो जाएगा 185। लेट मी चेक कि ये कितने बड़ा परसेंटेज से होता है, तो 210 के आसपास आपकी बाइंग है, ये अराउंड 10 to 12% का स्टॉप लॉस हो रहा है। सो आप उस हिसाब से की क्वांटिटी उतनी कम रख के ट्रेड करें, बिकॉज मैं जैसे पहले वीडियो बताया कि मैं 10% या उसके बियॉन्ड के स्टॉप लॉस में ज्यादा बिलीव नहीं करता। वहां पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड उतना कुछ खास नहीं मिल सकता आपको। और इस केस में एक बेटर चीज यह है कि लास्ट वीक हमने देखा था एपटेक,
और इस वीक हमारे पास है स्नाइडर। स्नाइडर में 8 साल पुराना ब्रेकआउट, ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो टारगेट अगेन यहाँ पे मैं आपको टारगेट नहीं दे सकता क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पहले भी कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है, तो ये इसके टारगेट कुछ भी हो सकता है। कहने के लिए ये राउंडिंग बॉटम का ये हो सकता है कि स्टडी के हिसाब से कि भाई इतना टारगेट दैट इज 300%, बट आपको ये मान के चलना है कि आप जो अपना स्विंग लोगा, अगर यहां से आपको एक बड़े गेन मिलता है तो आप अपने स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते जाएंगे जब तक वो आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। लास्ट हफ्ते हमने बात की थी एपटेक की, और वहां पे आपको एक अच्छा मूव मिला होगा। अगर आपने एपटेक बाय किया है या फिर आपको वो स्टडी पसंद आए तो प्लीज वो भी कमेंट करके बताएं कि भाई आपने एपटेक स्टडी से हिसाब से आपने ट्रेड किया और आपको वो कैसा लगा। तो इस हफ्ते के जो मैंने आपको स्टॉक बताए वो है दीपक नाइट्राइट और स्नाइडर इलेक्ट्रिक। याद रहे आपको खुद से स्टडी करनी होगी, यहाँ पे मैं टारगेट नहीं दे रहा हूँ, उसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया कि ऐसे जब ऑल टाइम हाई की ये टेरिटरी पे जाते हैं स्टॉक, और वो भी ऐसे वॉल्यूम से, तो अमूमन टारगेट ना ही रख के चलना बेटर होता है क्योंकि वहां पे आपको एक अच्छा पुश मिल सकता है। एंड आई बिलीव के स्नाइडर इलेक्ट्रिक के जो रिजल्ट आए थे वो भी काफी अच्छे रिजल्ट आए, ये गैप अप उसका मेंटेन हुआ है, तो इस स्टॉक ने फंडामेंटली भी कुछ अच्छा किया है। आप फंडामेंटल जाके चेक करिए, अपना डिसीजन लीजिए। लेकिन ये दो स्टॉक हो गए, स्नाइडर इलेक्ट्रिक और दीपक नाइट्राइट नेक्स्ट वीक के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करके जाना है, और ऐसे ही वीडियो देखते रहना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। दैट्स इट फॉर दिस वीक, थैंक यू फॉर योर टाइम।